अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना जूनियर शेखर, आप लोगों को खुशामदीदा मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अर्निंग एंड जॉब अपडेट पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे मैं आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों की जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल का ओवरव्यू करें, आपको स्क्रीन पर सामने नज़र भी आ रहा होगा कि इसमें जितने भी हमारी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं वो ओवरऑल गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, प्राइवेट जॉब्स के बारे में, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में और टेक के बारे में। तो आप लोग इनको लाजमी देखेंगे, इसमें काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी हैं जिनमें अभी जो है ना वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे पास FPR में जॉब्स आई हैं, इसके अलावा फेडरल जनरल हॉस्पिटल में हमारे पास जॉब्स हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको उसका थंबनेल भी नज़र आ रहा होगा कि इसके अलावा मैंने उसमें डिटेल के साथ बताया था कि हम लोग कैसे उसमें अप्लाई करेंगे, अप्लाई का तरीका बताया था आपको, ऑनलाइन अप्लाई या बिल्कुल फ्री में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जो आज की हमारी वीडियो है वो सबसे इंटरेस्टिंग है और खासकर ग्रेजुएशन जिन्होंने की है उनके लिए खुशखबरी है कि वो जो फ्रेशर है जिनको कहीं पे जॉब नहीं मिली वो इंटरलूप में अप्लाई करें। इंटरलूप ने अपना MTO प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का तरीका मैं आपको बताऊँगा, बिल्कुल फ्री होगा, ऑनलाइन अप्लाई और प्रॉपर डिटेल के साथ मैं आपको बताऊँगा कि हम लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि उनके हमें जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट आपके सामने शो हो रही होगी। इसके अलावा आपको जो है ना वो मैं बताऊंगा कि हम लोगों ने यहाँ इसके टेस्ट वगैरह की तैयारी कहाँ से करनी है, क्योंकि इंटरलॉक के टेस्ट भी होंगे जिसमें आपके असाइनमेंट्स भी होंगे, आपसे जो टेस्ट रिटर्न टेस्ट भी होगा, आपका कंप्यूटर पर टेस्ट भी होगा। इसके अलावा जिस फील्ड में आप लोग अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से आपका टेस्ट होगा। ख़ास करके जिन्होंने अभी रिसेंटली जो ग्रेजुएशन किया उन लोगों के लिए खुशखबरी है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। और देखते हैं कि हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने आ जाना है गूगल क्रोम पर। आ जाने के बाद हमारे पास ये गूगल का इंटरफेस है, यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली टाइप करना है इंटरलॉक जॉब्स ऑनलाइन अप्लाई। जब आप लोग ये फर्स्ट टाइम जो है ना वो ऑनलाइन अप्लाई इधर हो रहा है इंटरलॉक में, नहीं तो पहले इंटरलॉक में इस तरह से कोई अप्लाई नहीं होता था, CV डायरेक्ट आपको सबमिट करवाना पड़ती थी। फिर जैसे आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया कैरियर इंटरलॉक MTO प्रोग्राम मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर। आप लोग कैरियर पर भी जाके अप्लाई कर सकते हैं और MTO प्रोग्राम पर भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अप्लाई का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आ जाने के बाद आप लोगों ने न्यू टैब पे ओपन करना है। न्यू टैब पे जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से जो है ना वो इंटरफेस शो, ये उनकी हेल्पलाइन है, यहाँ से आप लोग हेल्पलाइन पे उनसे बात कर सकते हैं, उनसे जो भी आपका क्वेश्चन वगैरह होगा वो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये नीचे आ जाना है, यहाँ पर आ जाना है अप्लाई नाउ पे। जैसे हम लोगों ने क्लिक करना है तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा, यानी कि अप्लाई करने का तरीका आ जाएगा। तो अब अप्लाई हम लोगों ने कैसे करना वो मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। सबसे पहले हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर एड्रेस, फिर एजुकेशन, फिर एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आपने नो पे क्लिक कर देना है। फिर रिज्यूम आ जाएगी हमारी यहाँ पर, फिर इसके बाद जो हमारा स्टेटस शो होगा, यानी कि हमारी वो जो बताते नहीं है कि समरी सी छोटी सी, वो बन के आके हम लोगों ने सबमिशन पर क्लिक कर देना है। तो अप्लाई का तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करना। सबसे पहले जो है ना वो अप्लाई के पर्सनल इंफॉर्मेशन में आ जाती है हमारे पास हमारी सबसे पहले फाइल जिसमें हम लोगों ने अपनी पिक्चर लगानी है, उसकी मैक्सिमम हमारे पास होगी फाइल का साइज़ 3 MB तक होना चाहिए। वो नीचे उन्होंने बताया JPG, JPEG, GIFT या PNG में आप लोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका फुल नेम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपका ID कार्ड नंबर, यहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना कि आप मेल हो कि फीमेल हो। फिर आपका स्टेटस आएगा मैरिड, अनमैरिड या आपको डिवोर्स जो भी होगा। रीजन आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। फिर हमारे पास नेशनैलिटी आ जाएगी कि आप लोग पाकिस्तानी रहायशी हैं या किसी और मुल्क से हैं। हैव यू एवरी अप्लाइड टू MTO प्रोग्राम, के आप लोगों ने पहले कभी किसी भी MTO प्रोग्राम में अप्लाई किया, अगर किया तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज नो पे क्लिक कर दें। इफ़ एनी ऑफ रिलेटिव वर्क इन इंटरलॉक, अगर आप में से कोई रिलेटिव आपका इंटरलॉक में काम कर रहा है तो
यहाँ पे यस कर लें, नहीं तो नो पे आप लोग क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद फिर आप लोगों ने यहाँ पे आप अप्लाई कर देना है। तो फिर नेक्स्ट अभी हो नहीं रहा क्योंकि इसमें सारी की सारी रिक्वायरमेंट होंगी, तो फिर नेक्स्ट होगा, नहीं तो अदरवाइज आप लोग यहाँ पे चलेंगे। ये देखिए अभी कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे आप लोग इसमें अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे तो फिर आप यहाँ से नेक्स्ट हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट करके फिर अपना एड्रेस दीजिएगा, एड्रेस के बाद आपकी फिर एजुकेशन आ जाएगी। एजुकेशन का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एजुकेशन आप लोगों ने कैसे ऐड करनी है। सबसे पहले आपने वो वाली यहाँ पे अपनी डिग्रीज डेडिकेट करनी है, लिखनी है या ऐड करनी है जो आपकी रिसेंटली आप लोगों की BS की है, मास्टर की है या MPhil की है या जो भी की है। आप लोगों ने सबसे पहले वो देनी है, फिर इंटरमीडिएट देनी है, फिर आप लोगों ने अपनी मैट्रिक की दे देनी है। फिर एक्सपीरियंस में आ जाता है कि अगर आप लोगों का कहीं पे एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप इसको क्लोज कर सकते हैं, नो को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये MTO प्रोग्राम फ्रेशर के लिए लाजमी है कि आप लोगों के पास एक्सपीरियंस हो। आप फ्रेश हैं तो फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रिज्यूम। रिज्यूम में हमारे पास आ जाती है जो हमारी CV होती है ना, वो होती है हमारी रिज्यूम। तो CV का जो हमारे पास होनी चाहिए वो PNG की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, कोई पिक्चर वगैरह नहीं होनी चाहिए। जो जब हम लोगों ने यहाँ पे रिज्यूम देनी है तो हमारी PDF फाइल होनी चाहिए, उसका साइज़ मैक्सिमम 2 MB तक होना चाहिए, फिर ही आपकी होगी, नहीं तो अदरवाइज़ वो नहीं होगी। बाकी आपने कॉलम्स जो है ना वो बिल्कुल प्रॉपर जो है ना वो इसमें सॉल्व करने हैं, यानी कि प्रॉपरली इसमें देना, नहीं तो अदरवाइज़ आपकी कहीं ना कहीं गलती आ गई ना तो फिर आपकी रिज्यूम जो है ना वो ऐड नहीं होगी, ना यहाँ पे जो प्रीव्यू होगा वो भी नहीं होगा। तो सो आपको मैं बताने का मकसद यही था कि आप लोग जब भी अप्लाई करें ना तो प्रॉपर तरीके के साथ इनको पढ़ लिया करें, फिर उसके बाद अप्लाई के ईमेल एड्रेस आपने अपना फ़ोन नंबर, जो स्पेशली फ़ोन नंबर आप लोगों ने देना है, क्योंकि जो आपका मोबाइल नंबर चलता होगा ना वो आप लोगों ने इनको देना है। ये नहीं है कि आप लोगों मोबाइल नंबर कोई और दे रहे हैं, वो बंद कर दिया, इनकी कॉल आपको उधर से आनी है, फिर आप जब सबमिट कर देंगे तो आपको जीमेल पे इनका वो शो हो जाएगा कि आप अब जो है ना वो अपने जो यानी कि आपकी जो रिक्वेस्ट है ना या आपकी एप्लीकेशन वो सक्सेसफुल हो गया है, अब हम आप लोगों को कॉल करेंगे तो फिर आप लोग जो है ना वो इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। और इसके अलावा यार आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ग्रेजुएशन की कर लिया और फ्री बैठे हुए घर, तो चलो क्या पता इंटरव्यू देने के बाद उनकी वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए और वो काम पे लग जाए। ये उनका ना 6 मंथ का एग्रीमेंट है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप जो है ना वो उनकी परमानेंट जॉब में भी आ सकते हैं। अगर आपकी जो है ना वो उधर वर्क वगैरह अच्छा रहा तो आप परमानेंट भी हो सकते हैं। उम्मीद का तो आपको ये वीडियो पसंद ही होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यार ये बताने का मकसद यही होता है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते रहो और हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहे।